हाय नमस्कार आदाब, मैं हूं शाहबाज खान। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। इतनी है चंचल क्यों, हवरे है हर पल बेकल क्यों, तुमको पता हो तो तुम ही कहो। फूलों से ज्यादा हंसी है सनम तेरा मुस्कुराना। तेरा मतलब ये है कि हमें जंग नहीं लड़नी है, अपनी तलवारों को जंग लगाना है, इंतजार करना है इस गर्मी में। ओए नौनिहाल, तुम देख नहीं रहे कि यहाँ एक जरूरी मीटिंग चल रही है? बाकी मीटिंग्स मेरी मीटिंग के बाद। देखो तुम। अरे माँ, ये ऑपोजिशन वाले तुम्हारी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, और उनके बहकावे में आकर तुम भी मुझे गुनहगार समझती। गुनहगार समझती नहीं हो तुम, गुनहगार हो। आप है कौन? आई एम निशा। ओहो, तो आप है निशा जी। भाई बिल्लू ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। अब आप ओके, लेकिन हम लोग फिर मिलेंगे। डेफिनेटली। चलो बे। वाह, हाय हाय, इसे कहते हैं खूबसूरती। नजर भर कर आदमी देख ले तो बस ठंडा हो जाए साला। ओए मेरी बात तो सुन। ओए जानेमान, ओए मेरी बात तो सुन। अरे ये कह रहे हो साहब जी? त्यागी साहब के टाइम बड़े हाथ से हो चुके हैं। जे गांव वाले तो मिठाइयां खाकर कड़वा जहर उगलेंगे। जहर कहीं की खाते हैं साहब, कहीं की बजाते हैं, और गोड़िया मारे सीने पे दगवाते हैं साहब जी। मैं तो कहूँ हूँ इन्हें जूते की नोक पे रखना चाहिए। लेकिन अब हिंदुस्तान ने कर्तियों को माफ करना बंद कर दिया है। हाँ साहब, आपकी ये हालत और हाथ में हथकड़ी, ये सब क्या है खान साहब? मैंने ठाकुर जसवंत सिंह को गिरफ्तार किया था, लेकिन उस हरामजादे ने अपनी मक्कारी का जाल फेंक कर मुझे ही कानून की नजरों में मुजरिम बना दिया। पठान कभी बुरके के पीछे छिप कर वार नहीं करता ढोलकिया, तू जानता है मैंने आज तक जो कुछ भी किया है सीना ठोक के किया है। मैं जानता हूं मेरे सबसे बड़े दुश्मन की जान उसकी बेटी में अटकी है। मुझसे सवाल पूछना है, किसने किसको पकड़ा? कल दिल्ली में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अफसोस तुम देख नहीं पाओगे, तेरी जासूसी के दिन खत्म हुए मेरे दोस्त। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेलिब्रिटी स्पीक्स joinfilms.com, और आज है हमारे साथ शहबाज खान जी, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच। शहबाज जी, जी आप काफी अरसे से काम कर रहे हैं, काफी सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारा टीवी, सब कुछ किया है आपने। जी, जी। बट इसकी शुरुआत पहली बार माइंड में कब आई थी कि मुझे एक्टर बनना? एक्चुअली तो देखा जाए तो हर इस मुल्क का क्या, हाँ इस मुल्क का ही ज्यादातर हर बच्चा जब वो जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो उसको सबसे पहले एक्टर बनने का शौक होता है। मतलब किसी का भी एक एग्जाम्पल ले लें आप, भले ऊपर से वो बोले कि नहीं मैं एक्टर बनना नहीं चाहता था, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं वो बात रहती है कि यार काश मैं एक्टर बन जाता। क्योंकि एक्टिंग को लोग नसीब से जोड़ते हैं कि हाँ अगर नसीब अच्छा हुआ तो एक्टर बन जाएंगे। वैसे हकीकत ये नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, नसीब तो खैर बहुत बाद में आता है। तो मैं दरअसल सिंगर बनना चाहता था, एक्टिंग का ख्याल मेरे जहन में नहीं था इतना, क्योंकि मेरे वालिद उस्ताद अमीर खान साहब पद्म भूषण, बहुत बड़ा नाम जी, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में। हालांकि उनकी तालीम, उनसे तरबियत में नहीं हासिल कर सका क्योंकि बहुत छोटा था जब उनका इंतकाल हो गया, लेकिन होता है ना वो जब जर्म होता है ज़रा सा, एक
शौक भी था गाने का, और मैं कॉलेज में गा लिया करता था, तो मैंने सोचा कि फिल्मी गाने शायद हो सकता है मैं गा लूँ। जब मैं बम्बई आया तो मुझे लोगों ने कहा कि भाई आपकी भी पर्सनालिटी अच्छी है, आवाज़ अच्छी है, आप क्यों नहीं एक्टिंग में ट्राई करते हो। तो ये तो मतलब क्या कहते हैं कि भूखे के मुंह में जो निवाला डाल देते हैं, वैसी बात हो गई। मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के कि मैंने कहा कि हाँ, ये तो अरमान मेरे दिल में भी है। अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं किया था, तो चलो कोशिश करके देखते हैं। तो मधुमती एक टीचर हैं जुहू में, एक्टिंग और डांस की टीचर, उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया, और वहाँ पे मैंने डांसिंग क्लासेस और एक्टिंग क्लासेस, मतलब वो टेक्निकल नहीं थी, वो फिल्मों के सीन उठा के, वही सीन जैसे नसीर साहब का सीन है कोई फिल्म में, कर्मा में, तो वो हमसे कराती थी। तो उससे हुआ ये कि हमें एक्टर बनने में तो इतनी ज़्यादा मदद नहीं मिली, लेकिन अपने अंदर अंदर जो एक झिझक होती है, जो एक क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स जैसा होता है, वो इनकॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, कर पाएंगे नहीं, वो चीज़ निकल गई, कॉन्फिडेंस आ गया। तो वो एक बहुत बड़ा हेल्प हुआ हमको। फिर उसके इमिजिएटली बाद टीपू सुल्तान की कास्टिंग हो रही थी, तो मेरा ऑडिशन वगैरह हुआ, और मुझे अकबर खान साहब ने और संजय खान साहब ने हैदर अली के लिए सेलेक्ट कर लिया। ऐसे शुरुआत हुई। अच्छा, टीपू सुल्तान में आपका जो करेक्टर है वो पहली बार में इतना अच्छा रजिस्टर हुआ ऑडियंस के माइंड में कि पसंद करने लग गए। तो कहीं तो आप सिंगर बनने आए थे क्योंकि सिंगिंग का बैकग्राउंड था फैमिली में, फिर एक्टर बन गए, उसमें भी जब पहला रोल किया तो एकदम रजिस्टर हो गया और पब्लिक का इतना प्यार, तो क्या अनुभव रहता था उस टाइम पे आपको? उस वक्त तो मैं एक्चुअली बहुत नर्वस था, क्योंकि मतलब जिन लोगों को मैं बचपन से एडमायर करता रहा, खान फैमिली, संजय खान साहब और अकबर खान साहब, बचपन से इनकी फिल्में देखता रहा, और उन्हीं की कंपनी मुझे लॉन्च कर रही है, तो सबसे पहले तो ये बात मुझे जैसे हजम नहीं हुई, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए कोई ख्वाब है। लेकिन उन्होंने बड़ी ही प्यार मोहब्बत के साथ मुझे लॉन्च किया, और उस किरदार को, हैदर अली किरदार करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत अच्छा किरदार था, पहले वो 6 एपिसोड तक था, लेकिन उसको फिर बढ़ा के 12 कर दिया, 12 से 20 हो गया, 20 से 26 हो गया, तो 26 एपिसोड तक, उस वक्त वीकली हुआ करते थे, तो 26 एपिसोड तक ये हैदर अली का किरदार जो है वो सारे हिंदुस्तान में क्या बल्कि सारी दुनिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि मुझे खुद यकीन नहीं होता था, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो। बहुत मज़ा आया, वहाँ से मेरी एक्टिंग का जो शौक जो मुझे पैदा हुआ वहाँ से शुरू हुआ। तो शौक अब प्रोफेशन में भी बदल गया था। और प्रोफेशन में भी बदल गया, और जब आप आपका प्रोफेशन वही हो जो आपका शौक भी हो, तो उससे अच्छी तो कोई बात नहीं है, खुशनसीबी है, यही खुशनसीबी है। उसके बाद फिल्म का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? फिल्म का सिलसिला यूं हुआ कि जब मैं टीपू सुल्तान की शूटिंग कर रहा था, अनंत महादेवन पूर्णैया पंडित बने थे उसमें हमारे जो दोस्त होते हैं, तो अनंत महादेवन ये फिल्म कर रहे थे बी सुभाष की, जिसका नाम था नाचने वाले गाने वाले। तो उस फिल्म में उन्होंने कहा कि एक हीरो एंटी हीरो की तरह एक रोल है, तो मैंने कहा कि चलो भाई एक फिल्म मिल रही है, इनसिक्योरिटी भी होती है, और ऐसे हालात नहीं थे कि मैं ना बोलूं, ना ही मुझे वो एक्टिंग की ट्रेनिंग और वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं किसी भी ऑफर को ना बोल दूं कि भाई मैं अच्छे ऑफर का इंतज़ार करूंगा, और ना बगैर किसी गॉडफादर के मैंने शुरू किया था सिलसिला। तो फिर मैंने कहा कि चलो यार ये आ रहा है, समथिंग इज़ फॉलिंग इन माय किटी, तो मैं कर लेता हूँ। तो मैंने वो किया, कर लिया नाचने वाले गाने वाले फिल्म, जिस जो करके मुझे बाद में इट डिडंट टर्न आउट जिस तरह मैंने सोचा था, उस तरह वो हो नहीं पाई फिल्म। देखिए हर इंसान अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस करता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन फिर उस वो फिल्म हुई, वो टीपू सुल्तान के दौरान ही हुई, और संजय खान साहब ने मुझे मना भी किया था उस फिल्म को करने से, उन्होंने कहा था कि मत करो वो फिल्म, मैं तुमको लॉन्च करूँगा।
लेकिन वो एक जवानी का जोश कहें या गलती कहें, लेकिन मैंने कर लिया। लेकिन मुझे उस बात का कोई पछतावा नहीं है कि वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा था। ठीक। और उसके बाद फिर और दो चार फिल्में मैंने की, जैसे हीरो बन के आया था नाचने वाले गाने वाले में, हीरो था, मेरे डांसेस थे, तो लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि एक तरफ ये आदमी घोड़ा चला रहा है, घोड़े भगा रहा है, तलवारबाजी कर रहा है, अंग्रेजों से लड़ रहा है, इनसे लड़ रहा है, और दूसरी वो स्टेज पे डिस्को डांसिंग कर रहा है। तो सिनेमा में एकदम हाँ एंटरटेनर, डिस्को डांसिंग कर रहा है वो भी, तो वो लोगों को इतनी ज्यादा हजम नहीं हुई वो बात। फिर उसके बाद और दो चार फिल्में मेरी आई एज अ हीरो, जिसमें कैसे कैसे रिश्ते थी, जिसमें मैं आयशा जुल्का मेरे साथ थी, फिर उसके बाद जय विक्रांता थी जिसमें संजय दत्त और मैं थे। शहबाज जी, कि आपने फिल्में भी काफी कर ली जी, और सीरियल भी, और आप लगातार काम करते आ रहे हैं, जो कि मैं भी इतने सालों में देखा हूँ कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बने रहना भी बहुत मुश्किल काम है इस इंडस्ट्री में, अपने आपको बना के रखना, अलग अलग किरदार करते जाना। बिल्कुल। तो ये कैसे आपने कंटिन्यूटी रखी काम की? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे एक्टिंग का शौक पैदा हो गया। जब मुझे शौक पैदा हुआ तो मेरा दिल नहीं हुआ कि मैं कुछ और करने की कोशिश करूं, तो मैंने अपनी अपना सारा जो कुछ भी दिल जिगर जान सब, क्योंकि मुझे इतना इतनी मोहब्बत मिली मेरे किरदार के लिए। ठीक है, मैं कोई सुपरस्टार नहीं बन पाया, मैंने जो भी किरदार किए ऑडियंस का रिस्पॉन्स इतना अच्छा था मेरे, जहां भी मैं जाता था लोगों ने अपने बच्चों के नाम शहबाज रख दिए थे। क्या बात है, क्या बात। और इतनी मोहब्बत मुझे देते थे लोग कि वही मोटिवेशन, वो मोटिवेशन मुझे बढ़ता गया कि भाई मुझे करना चाहिए। तो मैं खासतौर से अपनी ऑडियंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें बरकरार बनाए रखा। और फिर वो कड़ी जुड़ती गई टेलीविजन में, फिर वो ग्रेट मराठा हुआ, फिर उसके बाद संजय खान साहब का ही ग्रेट मराठा था, फिर उसके बाद चंद्रकांता हुआ, फिर वो सिलसिला चलता ही रहा। चंद्रकांता खुद भी बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया था, तो फिर उसके बाद मैं नेगेटिव रोल्स में आ गया। मैं जिद्दी फिल्म से मैंने नेगेटिव रोल्स करने शुरू कर दिए, तो जिद्दी भी फिल्म मकबूल हो गई, तो फिल्मों में नेगेटिव रोल्स के ऑफर आने लगे। लेकिन मेरा थोड़ा सा ड्रॉबैक ये रहा कि मैं इतना नेगेटिव शक्ल से, लोग कहते थे शायद सही कहते होंगे कि मैं शक्ल से इतना ज़्यादा नेगेटिव और वो लगा नहीं, बनना पड़ता होगा, बनना पड़ता था एफर्ट करना। हाँ, तो लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी इन्जॉय किया सिलसिला। शहबाज जी, आपने, मैं जितना भी जर्नी सुन रहा हूँ बड़ा प्रैक्टिकल सा भी लग रहा है, और ये लग रहा है कि बीइंग एक्टर आप उसको एंजॉय कर रहे थे, तो जो काम आ रहे थे उसको अच्छे से कर रहे थे। अभी जितने भी आपने काम किए उस दौरान आपने टीवी और फिल्म में क्या फर्क महसूस किया? देखिए, मैंने शुरुआत टेलीविजन से की, उस जमाने के टेलीविजन और आज के टेलीविजन प्रोग्राम्स में जमीन आसमान का फर्क है। वो किरदार और उस जमाने के सीरियल लोगों को अब तक याद है। मतलब मैं अमेरिका भी चला जाऊं तो लोग मुझे हैदर अली चंद्रकांता के लिए याद रखते हैं, कि वीरेंद्र विक्रम चंद्रकांता के, वो अभी तक लोगों को याद है। आजकल ऐसा होता नहीं है, हालांकि एक जंक फूड की तरह हो गया टेलीविज़न, के रोज़ आपको एक मतलब एपिसोड दिखाने ही दिखाने हैं। फास्ट, हाँ फास्ट हो गया, ज़्यादा मनी मेकिंग हो गया, वो हो गया। टेलीविज़न में आपके पास मौका होता है कि आप अगले एपिसोड में उसको और अच्छा कर दो, लेकिन फिल्म तो आपको बनानी है, फिल्म बना के पूरी मुकम्मल तौर पर रिलीज़ करनी है। जो किया एक बार, तो जो किया एक बार किया। आजकल की टेलीविज़न शोज़ और फिल्मों में उतना वक्त ही नहीं है, उतना वक्त नहीं है। फिल्में तो खैर फिर भी यू नो क्रिएटिव वो है, क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी है। टेलीविज़न में भी कोशिश पूरी होती है क्रिएटिविटी की, मतलब कोशिश में कोई कमी नहीं है, बट समय सीमा ही होती है। मतलब ना समय, ना आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास क्या कहते हैं बजट के बड़े चक्कर होते हैं, और टाइमली डिलीवरी का एक बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, और टाइमली डिलीवरी का प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा है। और टेलीविज़न से ये बात बहुत अच्छी हो गई है कि रोजगार बहुत बढ़ गया, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, इनको आप कैसे देखते हो? अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा है एज एन एक्टर भी, और वो भी, और बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, टेलीविजन है और
वेब है और यू नो नेटफ्लिक्स है, इस सारे में अमेज़न है, सब कुछ है। आपने इतने सारे किरदार किए हर माध्यम में किए जी, अब कौन सा ऐसा किरदार है जिसको आप दिल से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अगर ये कुछ करने को मिले तो ऐसा एक्टर मजा आ जाए? अभी देखिए मैं फिलहाल तो अभी मैं ज्यादा इतने ख्वाब देखता नहीं हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मुगले आजम जो फिल्म थी जी उस पे बेस्ड, मतलब सलीम अनारकली की जो अकबर बादशाह की जो दास्तान थी, बेसिकली उसको मुगले आजम नहीं कहूंगा, वो जो तीनों का जो कॉन्फ्लिक्ट था उस पर एक टेलीविजन शो बन रहा है कलर्स के लिए, उसमें मैं अकबर बना हूँ। अरे क्या बात। तो अभी फिलहाल मेरे दिमाग पर सिर्फ वो चढ़ा हुआ है। ओके। आपका पसंदीदा डायलॉग जो भी आपका फिल्म का हो या किरदार का हो? हाँ, व्यूअर्स के लिए एक। मेरा पसंदीदा देव साहब का है, जूल थीफ का है शायद, जब दरवाजा खुला तो मेरी आंखें दंग रह गई, दिल जोर जोर से धड़क धड़क के कह रहा था कि बेटा जॉनी तेरी मंजिल यहीं पे है, लेकिन अगर इन आंखों को पता चल गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन आंखों में तेरे लिए नफरत के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। शहबाजी ये तो आपने देवानंद जी का इतना पुराना डायलॉग इतना एकदम बोल दिया, कमाल है। आपका भी कोई डायलॉग बता दी। रणभूमि में शत्रुओं का वध करके अपने लहू से अपने माथे पर तिलक करना तो हमारे पुरखों की परंपरा है। भारतवर्ष का इतिहास साक्षी है कि एक सच्चा मराठा मैदान जंग से मर कर हटा या मार कर हटा, शत्रुओं को कभी अपनी पीठ नहीं दिखलाई, कभी नहीं। शहबाजी आप बनने आए थे सिंगर का मूड लेकर, बन गए फिर एक्टर, तो सिंगर कहाँ छुपा रह गया? आज तो एक्टर जो हैं वो ऑटो ट्यूनर से भी गा रहे हैं और आप तो ओरिजिनल सिंगर हैं, तो आपसे तो गाना सुनना बनता है। चलिए ठीक है, थोड़ा जरा सा गुनगुना देता हूँ, हालांकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई म्यूजिशियन हूँ, लेकिन शौकिया एक ऐसे ही परस्यू कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा एक कुछ ऑडियंस के लिए गुनगुना देता। क्या बात, लीजिएगा। थैंक यू। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसे बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना। वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा और शहबाज खान ने जो भी सीखा वो सब कुछ आपको सिखाया, फिर मत कहना नहीं बताया। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।